आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आई थिंक विल गो स्ट्रेट टू हिम. ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड. और एक छोटा सा इंसिडेंट है जहां उन्होंने मेरा दिल एक्चुअली पूरी तरह से जीत लिया था. भाई अजय गेंदा की कि हमने जोरदार ये जोरदार जोरदार। भाजी, मैं मैं इमेज ऐसे, देखूंगा आपको, मतलब सैटरडे नाइट फील में पूरी। हाँ भाजी, मतलब मैं तो माहौल बनाया हुआ था. नहीं ठीक है, मजेदार ठीक है, चलेगा ना? है, बिल्कुल दौड़ेगा। कैसे हो आप, क्या हाल चाल है बहुत बढ़िया भाजी. व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग? भाजी? दो चंडीगढ़ के लड़के, एक मुंबई में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, दोनों घर से दूर है, बताओ। आई थिंक ये तो फुद्दू गल नहीं हो सकती कुछ भी. बट ठीक है, आई बट थिंक द गुड पार्ट इज वी भाई आर सेफ. यू हैड अ चॉइस टू गो बैक टू चंडीगढ़ लॉकडाउन तो पहले। अच्छा पाजी, मैं चंडीगढ़ ही सीगा. इनफैक्ट ट्वेंटीएथ नू मेरी फ्लाइट सीगी चंडीगढ़ तो बॉम्बे दी, विच गॉट कैंसल्ड. एंड 21st नू मैनू एक फ्लाइट मिल रही सी, देन आई हैड टू कम बैक बिकॉज किश्वर एंड माई बेबीज वर, माई बच्चाज वर, डॉग्स वर अलोन यहाँ पे. सो हैड टू कम राइट बैक. एंड चंडीगढ़ राइट। वॉज मच सेफर. एंड उस भाई टाइम चंडीगढ़ इज आई द वॉज, बेस्ट सिटी टू लिव इन अ लॉकडाउन एटलीस्ट। आई स्वेयर, आई थिंक माई मॉम एंड डैड, टच वुड, दे आर ब्लेस्ड, दे आर वेरी हैप्पी टू बी देयर. उनको राइट। सारे खाने की डिलीवरी सब कुछ टाइम पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. सो इट्स गुड यार. बट आपके सब सही है वहां पर द केसेस, क्योंकि मुंबई में बहुत केसेस है, महाराष्ट्र में बाजी स्पेसिफिकली। लकीली द एरिया आई एम इन, इट्स सेफ राइट नाउ, बट अदरवाइज बहुत बुरा हाल है. एवरी डे मुंबई, महाराष्ट्र, ओवरऑल केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं. यस्टरडे ओनली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल व्हिच सेड कि जिस हिसाब से चल रहा है तो मई एंड तक सिर्फ मुंबई मुंबई के 70,000 केसेस हो सकते हैं, ओह माय गॉड। व्हिच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर. सो आई एम जस्ट होपिंग ऐसा ना हो, बट भाई अभी तक हम सेफ हैं, टच मोर वुड. देन अ मंथ वी आर इनटू दिस लॉकडाउन। हाँ जी, इनफैक्ट 1 महीना पहले आपका बर्थडे था, तो लॉकडाउन में था आपका बर्थडे। एग्जैक्टली 1 महीना पहले. एक सेकंड, मैं थोड़ी लाइट जलाई देता हूँ. अच्छा तो पहले वो कैसा रहा बर्थडे, लॉकडाउन का पहला बर्थडे शायद? हाँ, मतलब 22 को लॉकडाउन हुआ था और 24 को मेरा बर्थडे था. सो आई डोंट हाँ थिंक, आई थिंक आई स्किप दैट बर्थडे. मेरी मेरी लाइफ से वो एक बर्थडे चला गया है. मुझे ऐसा लगा ही नहीं है कि मेरा बर्थडे आया है, बिकॉज हाँ मतलब नॉर्मली बर्थडे पे ऐसा हाल हो जाता था कि वैसे ही याद नहीं रहता था, बट ये हाँ वाला अलग मेरे याद नहीं रहेगा. सो आई थिंक, बट ठीक है यार, वन ऑफ एन यू नो, वन ऑफ इट्स एक्सपीरियंस. कभी सोचा नहीं था कि यू नो, एक टाइम पे सब कुछ, सब पूरा, पूरी दुनिया घर में बंद हो जाएगी, एंड एवरीथिंग यू नो विल बी सो डिफिकल्ट एंड सो डिफरेंट. बट ठीक है, आई थिंक वैसे वी ऑल आर फेसिंग इट टुगेदर. यूजुअली कैसे बर्थडे मनाते हो? यू आर लाइक अ पार्टी एनिमल और अ क्वाइट फैमिली डिनर, या कैसे? आई थिंक आपके बर्थडे पे एक बार आया था मैं दिल्ली, ओह यस और आपको पता ही है फिर बर्थडे कैसे मनते हैं. पाजी, बट मैं आपको बताऊं, मैंने स्पेशल मेंशन करना था, आई ओ दिस सो मच टू यू। मैं सबको बता रहा हूँ, जितने भी सुरेश पाजी के भी फैंस हैं, आई रिमेम्बर 8 को मेरा बर्थडे था एंड पाजी वाज ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने पाजी को रिक्वेस्ट किया था 4 दिन पहले, पाजी आई वुड लव टू हैव यू अगर आप आ जाओ तो। एंड इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सच ए गुड जेस्चर। आपने प्रीपोन टू मी लव यू लाइक मैन, एंड यू लव यू केयर, मैन, आई मतलब मैं वो रियली कभी मीन. नहीं सोचा। आपने उस दिन नहीं नहीं खरीद यार, लिया था मुझे, यार आई सच्ची खरीद थिंक लिया। सी बहुत क्या होता है ना, सो फॉर मी आई मेक रिलेशंस लाइक दिस. यू नो अ वेरी सिमिलर इंसिडेंट, मिलिंद दुबई में था. रात में 3 बजे मुझे उसका वहां से फोन आता है, एंड पूरे जितने भी सेठी बाजी सब लोग थे, दे वर ऑल गॉन. एंड ही कॉल्स मी लाइक, भाई काश आप दुबई में होते यार, मजा आ जाता है यार, आप पता नहीं कहाँ बैठे. एंड मैं प्रियांक के बर्थडे में बैठा हुआ था, एंड इट वॉज अच्छा 3:30 एट नाइट. आई कॉल्ड किशोर, आई हाँ सेड पैक माई बैग, आई एम लीविंग फॉर दुबई. आई वेंट होम, आई पैक माई बैग, एंड 6 o'clock फ्लाइट आई टुक. 11 o'clock इन हिज होटल आई वोक हिम अप, एंड ही ओपन द डोर एंड ही कुड नॉट बिलीव आई वाज स्टैंडिंग देयर. ये एंड होता है बिकॉज यारों यार, का यू नो, यार। मेरा प्यार ऐसी है यार. एंड इफ आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर समवन, आई गो ऑल, यू नो, ऑल आउट एंड देन डू इट. वाओ इट्स लाइक दैट. वाओ, क्या जी बात है, सुपर। पहली बर्थडे की बात होगी तब होगी। आई बीन सीन के आपने एक वीडियो तो बनाई थी, कैसे बीवी से भाग रहे हो आप, राउंड थिंग। बट आपकी सफाई की ड्यूटी लगी है, बर्तनों की लगी है, या कुकिंग की है? भाई लकीली मेरी किसी चीज की ड्यूटी नहीं लगी है, क्योंकि हमारे घर में दो डोमेस्टिक हेल्प थे और दोनों हमारे घर पे ही रहते थे, सो दे वर नॉट वाह, गोइंग हियर एंड देयर. सो लकीली वो हमारे साथ ही लॉकडाउन हुए हैं. व्हाट अ सो इनफैक्ट, गोल्ड, व्हाट अ गोल्ड यू हैव एट होम। एंड प्लस आई हैव माय स्टूडियो, सो आई डोंट फील एट ऑल कि मैं यू नो कहीं फंसा हुआ हूँ. इट्स आई यूज्ड टू लिव दिस लाइफ एनीवे. मतलब मैं यही करता था, सही। उठता था कमरे से, स्टूडियो में घुसता रहा, गाने बनाता रहा, सारे दिन नाटक करता रहा, नौटंकी करता रहा, खाना यही खाता रहा, फिर बाहर जाता रहा, सो जाता रहा. That's all I used to do. So I'm still doing the same. So there's no much, you know, तो पिछले एक महीने change. में कुछ गोला बारूद तैयार किया स्टूडियो में बैठ के? भाई काफी, काफी. I think the अच्छा best part for me, हाँ, about quarantine is, so मेरे को music produce करना नहीं आता.
aata tha, in fact I would say I'm still learning, I've just started, but recently ek gana abhi maine banaya hai khud hi, uska pura music produce maine kiya hai, usme lyrics hai usi ke, but the whole song I've made it myself, so I feel very proud. I don't know how that song is sounding, but I'm learning, you know, it's a process, so I'm enjoying it. But aap utilize kar rahe ho, matlab sahi hai, completely bhai, making the best of it. Paaji, I will take you a little back in the day. Gaane mein to obviously sunne logon ne na bhi request karne shuru kar diye, hello, hi, can you sing a song? I promise I will sing. Raho yahan par, main paaji se gaane bhi gawaunga. Ha, pakka. पाजी मेरे को एक बात, आपने ना रियलिटी शोज भी किए जी, आपने क्रिकेट भी खेली है, कैप्टन किया है बॉक्स क्रिकेट की, वो मतलब वर्चुअल क्रिकेट ही मान लो, वीडियो गेम और रियल के बीच वाला है वो, करेगा वो बीच का है वो, तो उसमें आप कैप्टन थे तब भी आपकी टीम जीती थी। अच्छा, मैं भाई दो उसी सीजन में मैं कॉमेंट्री बॉक्स में था, बीसीएल की बात कर रहे हैं, मैं उसके साथ कॉमेंट्री कर रहा था, मेरा को कॉमेंटेटर कौन था, दिस गाय आई डोंट रिमेम्बर, वो भी टेलीविजन, आपने क्रिकेट भी खेला, आपने रियलिटी शोज भी किए हैं, अब आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हो ना, बैक टू बैक कर रहे हो, सॉन्ग हो गया सिक्स मंथ इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस 1 2 3 4 फ्रॉम योर फेवरेट गोइंग डाउन, क्या क्या है आपके लिए? सो एक्टिंग, सिंगिंग, लेट्स से रियलिटी शोज एंड क्रिकेट, यू टॉकिंग अबाउट what I prefer personally from my heart or yes from your yaar baaji mujhe confuse mat karo maine sawal puchha acha to for me aaj ki date mein agar main aaj ki date mein baat karu music yes any day number 1 and then cricket was my first love which always will be no one and nothing can change that so wo to rahega hi then I think acting reality shows frankly though I've done but I don't think I was ever made for reality shows yaar matlab I don't know how to explain this but even when I went for the Big Boss ka meeting first time I remember saying that I don't think I am very fit for this but I'll do it if Kishwar and I will do it together you know and that's what happened so I am but you're there for good 82 days bhai 89 days bhai haan ji 80 haan correct 80 something like that because once I was there I obviously understood the house but you know that house requires people who say it right on the face and you know who are blunt and who don't keep things so I am someone I don't even if I'm hurt even if I feel bad about something I don't say it I rather keep it to myself because I feel that I might say something to someone which can hurt that person yaar so I prefer not to do that you know because I don't know that person yaar main kya usme bol do kisi ko aur kisi ko kya hurt ho jata I rather keep it to myself until unless main bahut zyada hurt hota hu to yes I fight it and all of that but theek hai I think I'm a very different person not made for all that stuff but reality shows aapki life mein tab wo time tha jab ek banda sochta hai abhi to main kuch bhi kar lunga yaar mere ko jana hai wo phase hota hai matlab so when I did Splitsvilla yes I remember roadies ke audition diye the clear nahi hua tha and mujhe MTV se call aaya tha Splitsvilla ke liye so for me उस टाइम मुझे था कि यार किसी भी तरह यू नो एमटीवी पे आना है क्योंकि क्रिकेट छूट चुका था तब तक इंजरी हो गई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है तो था कि चलो एमटीवी पे आते हैं तो यू नो एंड स्प्लिट्सविला हैपेंड एंड स्प्लिट्सविला के बाद हाउ द जर्नी चेंज्ड वाज कंप्लीटली यू नो आई नॉट एक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल आई डिड नॉट रियली थिंक कि कभी मेरे साथ ही हो सकता है बट रियली इट हैपेंड एंड हियर आई एम टुडे व्हाटएवर आई अचीव्ड जितना भी मैंने कमाया है जितना भी छोटा ज्यादा कम बड़ा दैट्स माइन यू नो आई हैव अर्नड इट एंड दैट विल ऑलवेज बी माइन मेरे से कोई नहीं ले सकता यार सर मुझे लगता है हम बहुत कंटेस्टेंट्स के बिहाफ पे बोल सकते हैं कि जो भी रियलिटी शो करता है उसका मेन मोटिव ये होता है कि मुझे बस एक छोटा सा लॉन्च पैड मिल जाए भाई फ्रैंकली व्हेन आई स्टार्टेड आई नेवर थॉट आई वुड वांट टू एक्ट और सिंग और एनीथिंग लेटर इट वाज फॉर मी जस्ट दैट मोमेंट आई वांटेड टू डू दैट एंड आई डिड इट वैसा वाला बट यस आज की डेट में ऑल दीस रियलिटी शोज हैव डेफिनेटली बिकम मोर लाइक अ प्लेटफॉर्म नाउ You know, a lot of people are getting work after reality shows, which is brilliant. And not that they start the reality show, give them a platform, but yes, it is happening like that now. You know, true. So, aaj wo TikTok hi le lo. You know, for that matter, TikTok also it's a platform. Yeah. It's a platform. Right. It's totally a platform. Nobody really thought when they started making videos, all our top TikTokers of India, when they started making, nobody really knew that this is gonna be so big. But it is today, and it has become a platform. Yeah. So which is brilliant, I think. For them, it's brilliant.
मैंने भाई आप क्रिकेट खेलते देखा था, ये बॉक्स क्रिकेट की बात कर रहा हूँ यार, सारी मतलब सब मजे के लिए खेलते हैं, छोटा सा ग्राउंड है, यू नो बस मारना है, बैट घुमाना है, सिर्फ एक सुरेश है, गालियां दे रहे हो आप सब लोगों को। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, पर इस तरह के कुछ लोग हैं, मैं हूँ, करण भाई है, हम लोग जो है बहुत ज्यादा क्रिकेट को लेके यू नो जज्बाती है। सो मैंने कब से क्रिकेट को प्ले टू प्ले, अदरवाइज यू डोंट प्ले, इट्स नथिंग फ्रेंडली इन क्रिकेट है, मतलब इफ करण एंड आई वी कैन फाइट दैट मींस इट्स समथिंग सीरियस हैपनिंग, एज सिंपल एज दैट। सो मुझे लग रहा है आपकी फुटेज में रिकॉर्ड करके ना कभी किसी रियल मैच में भी लगा सकता हूँ एक्सप्रेशन के लिए। सुपर भाई, 2014 आपने और किशोर ने खुशनुमा गाना किया था जी भाई, है ना, टेक मी टू दैट सॉन्ग बिकॉज़ आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट हिट ऑन द ट्यूब। सो आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी फनी हाउ दैट सॉन्ग हैपेंड। ओके सो Darshan, a lot of my people who you watching us right now, they know Darshan is a very dear friend, okay? And that's when I met Darshan Ayanya. So I remember calling him. So उसी का गाना उसकी quality उन लगी थी, okay? अच्छा। तब तक मैं गाता था सिर्फ शौक के लिए, ऐसे friends में। कभी नहीं सोचा था माइक पे, कभी नहीं गाया था ज़िंदगी में। तो मैंने सोचा कि यार ये तो क्या feeling है यार, बंदे को phone किया, उसका गाना है, उसकी quality उन लगी हुई है। मैंने कहा ये तो मुझे भी करना है, ये तो मुझे भी करना है। तो मैंने गाना बनाया खुशनुमा, वीडियो शूट किया हमारे फ्रेंड डीओपी शोएब दादा, कामरान भाई, इन्होंने डायरेक्ट की, सबने मिलकर हमने अच्छी वीडियो बनाई रीसेंट। एंड आई वेंट टू जी म्यूजिक एंड आई सेड भाई दिस इज द सॉन्ग एंड आई वांट टू रिलीज दिस एंड आप कर दो रिलीज, कहते ठीक है भाई कर देंगे, वी लव द सॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल एंड यू नो ऑफ कोर्स यू एंड किशोर यू नो देयर एंड सो आई सेड भाई कॉल ट्यून बनेगी क्या इसकी। सो ही वाज लाइक हां भाई मतलब ऑफ कोर्स वो तो बनेगी, मैंने कहा फिर ठीक है डन, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरी कॉल ट्यून and I swear I'm not kidding, वो दो साल मेरी quality उनसे और मैं अपने आप को phone कर करके feel लेता रहता था, okay? Till I did Big Boss, I stepped out and then again Darshan, he called me one day and like भाई क्या कर रहे हो, मैंने कहा यार Big Boss से निकला हूँ, समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग बहुत वो पड़ा है, किशोर was still inside and Darshan is like भाई अहमदाबाद चलोगे क्या, ऐसे अहमदाबाद क्या है, कह रहा मेरा concert है, आ जाओ आपके लिए भी breather हो जाएगा, साथ में chill करके आते हैं, दो दिन party वाटी करते हैं, अच्छा चल भाई चलते हैं। सो आई वेंट विद हिम, सो हम लोग सुबह से हमने पार्टी वार्टी शुरू कर दी, दर्शन इज टेंस, उसका शाम को शो है, नहीं लाइक भाई क्या कर रहे हो यार आप, मैंने कहा भाई मैं भी निकला हूं 3 दिन के बाद मुझे पार्टी करनी, तू अपना तेरा शो है तू रिलैक्स कर। एंड फाइनली ही टुक मी ही कॉल्ड मी ऑन स्टेज अराउंड 8:30 एंड आई एम ऑन स्टेज सिंगिंग विद हिम एंड दोस पीपल ऑफ अहमदाबाद, द काइंड ऑफ लव दे गिव मी एंड दर्शन एंड दैट होल वाइब ऑफ बीइंग ऑन द स्टेज, इट जस्ट गॉट मी लाइक ओके प्रोबब्ली आई थिंक आई वुड वांट टू ट्राई दिस यार, आई वांट टू प्रोबब्ली I want to try at least. क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा नहीं होगा ना, but I want to try this and see how whether I can come there or whether I can see this you know this side of the you know of the show. So I just tried and started to live a dream, and which I am still living. So I think I'm blessed. Super. अच्छा सेठी पाजी yes, was my first song coming back to Krishna. Sorry. सेठी पाजी saying hello. सेठी पाजी पाजी चाची कॉल. शाबी पाजी भी है. अरे अरे अरे. सारी टीम आ गया, परिवार आया हुआ है, हमारी सारी वेली बगारे आ गई है। सेठी बाजी भाई कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दैट मींस दर्शन ने अनइंटेंशनली सही लेकिन आपको बहुत इंस्पायर कर दिया यार। डेफिनेटली आई से दिस ऑन हिज फेस बिकॉज़ मेरी लाइफ में द फर्स्ट सिंगर फ्रेंड हु आई न्यू सो क्लोजली वाज यू नो दर्शन। आई ऑफ कोर्स न्यू मी ब्रदर्स आल्सो बट आई नेवर was so close to them or jammed with them, you know, like that musically itna main involved nahi ho paya and probably I think it was also the age which you know got me and Darshan together you know bond really well. So I think yes man, Darshan definitely you know does that. But bhai back in the day jab Chandigarh mein gaya tab song ke liye gaate the doston ke beech mein jab party hoti hoti bas utna hi भाई मतलब जैमिंग करते रहते थे ऐसे, मतलब कभी गाया नहीं, ऐसा नहीं सोचा था कि यार दोस्त बैठे और गा रहे हैं तो गाता हूँ, नहीं गाने चल रहे हैं ड्राइव कर रहा हूँ साथ में गा लिया, दैट इज इट। सो माय सिस्टर यूज्ड टू सिंग इन अ कॉलेज डेज, अच्छा इन क्लासिकल म्यूजिक के कॉलेज में सब्जेक्ट था जिसमें वो बेसिक पढ़ रही थी बहुत, सो एवरी नाइट शी यूज्ड टू यू नो ऐसे सोने से पहले शी यूज्ड टू सिंग अ लिटिल और मैं ऐसे सोते सोते सुन जाता था, सो जाता था। सो यू नो एंड देन वन डे शी गॉट मैरिड एंड देन आई रियलाइज्ड ओके देयर इज समथिंग मिसिंग, मेरे कानों में म्यूजिक नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर मैं रात में रोज ऐसे खुद गाता गाता ऐसे गाता गाता सो जाता था सिर्फ अपने उसके लिए,
बट देन ये सब बॉम्बे आके शुरू हुआ एंड यस आई थिंक फॉर मी फ्रेंकली व्हेन म्यूजिक केम इन माय लाइफ वाज थ्रू मी ब्रदर्स आई एम नॉट गोना लाई और चेंज हियर 2012 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन दे मेड मी सिंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स का लॉन्च अ सॉन्ग दे आस्क्ड मी टू सिंग इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जहां पे बहुत सारे म्यूजिक फ्रेटर्निटी के लोग थे आई वाज वेरी नर्वस बट आई यू नो आई डिड सिंग इट एंड इनिशियली उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि रियाज कर you know riyaz kya kar music kya kar tu iske liye banaya hai tu acting chhod de but then later I was not able to cope up main tv bhi us time kar raha tha main din mein 15 ghante shoot karta raha 12 ghante shoot karta tha to mereko by the end of the day itna thak jata tha ki mujhe uska riyaz ka time nahi milta tha aur main dono handle nahi kar pa raha tha to beech mein fir music chali gayi thi but 2014 mein then it came back again yes so bhai what was that first realization wali moment ke main singing se aur acting se you know I can main apni zaruraten puri kar sakta I can earn my bread from this from both सारे जितने भी फैशन वीक्स बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट यू नो मेरे से पेट नहीं भरेगा बॉम्बे में बॉम्बे इज नॉट नॉर्मल सिटी यू नो बॉम्बे इज एटलीस्ट फोर टाइम्स फास्टर देन एनी अदर सिटी For that matter, Delhi is such a fast city, but Mumbai is at least you know. और जहाँ से हम आते हैं, चंडीगढ़ से वो तो बहुत slow है. मतलब जब मैं बॉम्बे कर रहा था, मेरे को तेरी band थी. मैंने कहा आ की ले आ गा. You know, मैंने कहा shit आ कितने ले आ गया मैं की कर ले मैं कहा मम्मी को मैंने बुला दो वापस यार. But you know, I was fortunate enough that my mom transferred herself to Mumbai for me. And my struggle period जो था वो कभी मुझे feel ही नहीं होता था frankly you know I always had a car to drive. I had a house to live in. I was not paying any rents. माँ के हाथ का खाना मिल रहा है तो काहे की struggle है मतलब I don't call this my struggle. आधा चंडीगढ़ आपके काफी था. हाँ मतलब I was trying to make something and she helped. She made a played a very major role. But मुझे पता नहीं लगने दिया कभी उन्होंने की struggle भी थी ऐसा वाला you know. Right. But पाजी मैं जानता हूँ चंडीगढ़ में जहाँ रहते थे सात सेक्टर और वो एरिया के आसपास सबसे खूबसूरत जगह है वो चंडीगढ़ की पाजी. You will not see every time. पर ये every time I go to Chandigarh, I go to my sector. There's this park जहाँ पे हम खेलते थे ground में. मैं अभी भी याद है कि 10 मिनट ऐसे बैठता हूँ, सारे घरों को देखता हूँ. जहाँ पे मेरी पहली girlfriend रहती थी, उसकी घर की घड़ी मारता हूँ, ऊपर देखता हूँ, अपना chill करता हूँ, आ जाता हूँ. You know, it's very nostalgic, yeah. You know, I love that city. I love it. जब वहां से मुंबई आया ओके मनप्रीत भी है पल्लवी भी आ गई है शैबी भी कुछ बोल रहा है ये बहुत सारे सारे बेले सब बेले हाँ जी भाई जब आप चंडीगढ़ से जहाँ पर दो स्टोरी वाली बिल्डिंग होती थी फिर सीधा है बॉम्बे यहाँ पर 20-20 स्टोर तक घर है भाई ओके सो व्हेन आई केम सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज लाइक भाई मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ चलेगा मैंने कहा भाई चल लूंगा कहाँ पे करे मेरी एक फ्रेंड है उसके घर पे पार्टी है मैं अगर मैं जानता नहीं किसी को मैं कहा चल चलते हैं तो मैं गया सो द ऑटो स्टॉप्ड आई गॉट डाउन एंड आई डोंट 37 फ्लोर्स ओके 37 फ्लोर्स एंड फ्रॉम अ 2 फ्लोर टू 37 ऑन सम शिट एंड हर हाउस वाज ऑन द 35th फ्लोर And I am shit scared of heights. मेरे को इतना डर लगता है हाइट से मैंने कहा यार 35वें फ्लोर की जब मैंने बालकनी में खड़े होकर से नीचे देखा था ना हाँ चक्कर मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है मैंने कहा कहाँ आ गया हूँ मैं It was very difficult for me initially to adjust and believe that I'm finally here. But I think now it's been 10 years यार 10 साल हो गए अब तो अपना शहर बन गया है सब कुछ you know अपना लगता है अब तो अपना hold सा है So it's nice man it's good. भाई हमारी पहली मुलाकात हुई थी 2018 में जब साया गाने की प्रमोशन पे आ गया जी भाई है ना सो साया इफ मैं अगर आपकी गानों की पूरी उठा के देखूं ना जो फील है वो हमेशा सैड रोमांटिक सिवाय एक बॉब मारने के अलावा बॉब मारना बिल्कुल इंसेन था मतलब आप साउथ और नॉर्थ पोल जीते हो भाई एक गाना भेज रहा हूँ सुन पाओगे मैंने कहा अभी नहीं अभी पार्टी कर रहा हूँ कह रहे पार्टी सॉन्ग है कह रहे पार्टी सॉन्ग है मैंने कहा अच्छा भेजो भेजो सब लोग अपने मिला भी नाच रहे थे सारे सुबह 3 बजे की बात है एंड
गाना आता है, मैंने कहा यार भाई सॉरी यार गाना लगा रहा हूँ, बोला है पार्टी सॉन्ग है पता नहीं क्या है, और सब बहुत फुल दारू पिए हुए, तो जैसे हमने गाना चलाया टक 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 एंड माय फ्रेंड्स दे वेंट मैड डांसिंग ओके एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट देम. सो मेरे को पहले तो लिरिक्स समझ भी नहीं आए, मुझे सिर्फ बॉब मार ले हमने हमारे समझ आया. सो आई कॉल्ड फैजल भाई, आई एम लाइक भाई क्या है, किसका गाना है, कह रहे करना है या नहीं ये बताओ. हां करना है, कह रहे दिस दिस गाय एलओसी. आई सेड एलओसी दिल्ली से हूं वाला. उसने बनाया गाना एंड he'll be more than happy if you do it with him and it's a crazy song and I think you should do it and without even thinking once I said yes for it. You have to listen to the story, it's very funny. Okay, so this guy LOC, he sends me his song. Okay, one day he sends me his song and he's like, "Bhai, ये गाना मैं ना कर रहा हूँ, release हो रहा है मेरा, तीन दिन में आप ये गाना सुनो." उसमें ये rap था. अच्छा. मैंने rap सुना, मैंने उसको phone किया, मैंने कहा सुनो, मुझे नहीं पता किसका गाना है, मुझे ये रैप चाहिए, ये रैप मेरा. तो कह रहा है, उसने दो सेकंड का पॉज लिया, कह रहा ठीक है भैया आपका हो गया ओके. तो मैंने कहा मतलब, कह रहा दो मिनट कर रहा हूँ कर रहा हूँ. फाइव मिनट्स बैक ही कॉल्स मी अगेन, कह रहा भाई मैंने उनके लिए दूसरा रैप डब कर दूंगा, ये वाला निकाल दिया मैंने, ये वाला आपका हो गया, आपको जब भी करना होगा आप कर लेना. सो नाउ फाइनली फाइव फोर डेज बैक आई कॉल्ड भाई, भाई वो रैप याद है, कह रहा हाँ. मैंने कहा मैं कर लूँ, कह रहा हाँ कर लो भैया. मैं ठीक है, मैंने गाना बना लिया उस पर. अच्छा जितने लोग देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा मैं बताता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में ऐसी काम होता है, फोन पे होता है भाई ये मैं रख रहा हूँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई हो गया चलो कर लेंगे बात बाद में. और बॉम्बे में कैसा होता है, बॉम्बे का बताओगे सर? किसी को बोलते ही नहीं, हम ये रख ले अपनी चीजें संभाल के रखनी पड़ती, कोई और ना रख ले. अच्छा भाई एक और क्वेश्चन भी है, ये आपको एड्रेस करना चाहिए, आप डीएम्स का रिप्लाई नहीं करते, कोई पूछ रहा है काजोल यार. देखो तीसरी चौथी बार आ गया ये क्वेश्चन यार. देखो भाई क्या है ना, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू इट एज मच एज आई कैन, बट ह्यूमनली आई थिंक इट बिकम्स लिटिल. भाई पैगला रहे पानी बाजी सूफी बजा सूफी सूफी भाई सैटरडे नाइट यार कम ऑन यार. नहीं मेरा भाई कौन क्या रहा हूं मिलन लाल. अच्छा ठीक है आओ. So yeah, it's humanly becomes a little difficult to reply to so many messages, but I definitely try and repost as many stories I can, or you know, to reply as much messages, as many messages I can. But jitna ho pata utna karta hu yaar, I think, but I will definitely try harder to reply a little more. All right, that's officially, not officially, officially. That's, obviously you were always, you were always officially my baby, but officially that's my wife here. Hi. Hello, Tisha. How are you? Yeah, I saw the video where you guys are chasing each other from a room to the other. वो किसका idea था? क्या? यार वो अरे running मुझे भाग रहा है. यार वो मेरा एक ना DOP director editor friend है ऋषभ, उसने बोला आप ये shoot करके मुझे भेज दो, मैं आपको edit करके भेज दूँगा. वो बहुत तो बट मुझे लगा उससे better situation अपनी मैं explain नहीं कर सकता, वो यही थी. आप वीडियो ना जब देखते हैं ना अलग अलग जोन में देखते हैं, मैं रात को 2 बजे आंख खोल के देखा तो हंसता रहा. इट डिपेंड्स ऑन किस मूड में देख रहे हो. इस पॉइंट में रात को देखा तो 5 मिनट हंसता रहो देखे. अरे यार सुपर, बिकॉज किशोर इज हियर, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन अब आने शुरू भी हो चुके हैं. यू गाइस लुक ग्रेट टुगेदर, टू क्यूट टुगेदर. किशोर कौन कर रहा है घर के काम ज्यादा, कौन कर रहा है? इज सुरेश हेल्पिंग यू विद सम ऑफ द अदर हेल्प? आई नो यू हैव डोमेस्टिक हेल्प. नो यू नो वी आर वेरी वन सेकंड. हां एग्जैक्टली वी आर वेरी ब्लेस्ड बिकॉज़ वी हैव हाउस हेल्प 24/7 हमारी थी तो वो घर पे ही है. हां मैं इसकी हेल्प तब करूंगा अगर ये कुछ करेगी, हम दोनों कुछ नहीं कर रहे. मैंने ट्राई किया बिगिनिंग के कुछ 3-4 दिन मैंने ट्राई किया खाना बनाना, इट वाज अ डिजास्टर, एपिक फेल. तो फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया. हाँ मतलब माय पैनकेक्स लुक लाइक बर्न्ड कुकीज. पैनकेक्स मैंने ऐसे पैनकेक्स जिंदगी में नहीं देखे, जिंदगी में. मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज करके बोला प्लीज डोंट ट्राई टू कुक. नॉट ओनली फ्रेंड्स, द फैंस, दे वर सेंडिंग इन पिक्चर्स मैम, दैट्स हाउ द एक्चुअल पैनकेक्स लुक. बट सर हाउ आर यू गाइस किलिंग टाइम, टाइम पास कैसे कर रहे हो आप लोग? वर्कआउट करते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, वर्कआउट करते हैं, गाना गाना सिखाती हूँ, यू नो ऐसे थोड़ा. मेरे को और बताओ, आई मीन हाउ डू यू गाइस मीट, बिकॉज़ नाउ यू आर देयर एंड दिस वाज नॉट प्लान्ड, एटलीस्ट मेरे लिए तो सरप्राइज था. या आई बेसिकली, सो हाउ डू यू गाइस, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम लगेगा फॉर डिनर? उसके बीच में मैं पकड़ी गई डांस करने में. सुबह बताओ हाउ डू यू हाँ सॉरी, वी मेट ऑन द सेट्स ऑफ प्यार की कहानी, वी वर शूटिंग टुगेदर
and that is when I met him, and it was love at first sight. Pata nahi for you or he was the first one. He. Such I was wearing this sexy black dress, and he just went like, "Oh my god." Pali, ऐसा क्यों होता है हम लड़के हमेशा क्यों initiate करते हैं? Pali, चोल हम में ज़्यादा होती है ना? दो तीन गाने जितने भी है, चाहे वो खूबसूरत है, साया है या खुशनुमा जो आप भी, but something I think very, I love Bob Marley because it's a very party, very catchy song, and I like Khoobsirat also. It's really really nice. Which is but the song that the covers that he has sung, I think I love ek to Kalank wala aur ek wo Sonia. Gabbe. Acha dinner mein kya banaya? Paaji puchho mat. Aaj to kyunki Ramzan shuru hua hai to because I'm Muslim. तो हमने दाल गोश बनाया है आज खाने में. वाह, आपने नहीं बनाया? तुम्हें तो हमारे लिए बनाया. हमारे लिए बनाया, मतलब वही हमारे लिए बनाया. यार बाजी मैं इमेजिन करता हूँ, सोचो वो ना आ पाते जो दो डोमेस्टिक हेल्प हैं, क्या होता आप लोगों का? रोज हम ऐसे कुछ खा रहे होते, चिप्स और ऐसे सब ये सब खा रहे होते, पेप्सी, मैगी, अंडा. अगर मजबूरी आ जाती डेफिनेटली करते, बिग बॉस में भी किया ही था. बट हाँ, वी प्रेफर एंड वी आर ब्लेस्ड दैट दैट या. अच्छा, व्हाट वाज दैट वन पॉजिटिव एंड व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट गॉट टू योर हेड जब बिग बॉस से आप निकले? बिकॉज़ बहुत अच्छा खासा टाइम किया दो बिग बॉस में, बट वन थिंग दैट वाज लाइक वाओ यार, ये मैंने अपने बारे में डिस्कवर की टाइप्स. आई थिंक आई स्टार्टेड वैल्यूइंग वेरी स्मॉल स्मॉल एंड लिटिल थिंग्स, यू नो, व्हिच आई प्रोबब्ली वाज नॉट वैल्यूइंग बिफोर. वहां पे अपने खुद के काम करने, यार खुद के बर्तन धोने, टॉयलेट साफ करना, घर साफ करना, ऑल ऑफ दैट. एंड यू नो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल मेड ने कोई बर्तन धोया, उस पे थोड़ा सा यू नो दैट डिटर्जेंट लगा रह गया, एंड वी यू नो शाउट ऑन देम कि अरे क्या है, ढंग से साफ नहीं करते. एंड व्हेन दैट सेम थिंग यूज्ड टू हैपन एंड द अदर हाउसमेट यूज्ड टू शाउट ऑन अस एंड उतर ए आवाज नीचे कर, खुद धो ले, नहीं प्रॉब्लम, यू नो. दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट यू नो दे कांट आंसर अस बैक व्हेन वी शाउट ऑन देम, बट इट्स वेरी स्टूपिड, इट्स वेरी ह्यूमन, इट कैन हैपन. एंड जब खुद करते हैं तो पता लगता है. मेरे लिए आई थिंक वन थिंग दैट आई डिस्कवर्ड अबाउट माई सेल्फ वॉज मेंटल स्ट्रेंथ. आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई डिडंट नो दैट. सो दैट इज समथिंग दैट आई डिस्कवर्ड. इतने सारे मोटिकॉन जा रहे हैं ना बाई वर्ड एक्चुअली, सेम ही है. बट रमजान मुबारक, दैट वन ऑफ देम. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. Enjoy and I'll stay connected with you. Thank you, Bhaji. Yes, thank you. Please take care of yourself. See you very soon, Mary Jan. Bye, guys. Bye, guys. Bye, everybody. Radio.